इसके अलावा इस खरपतवार का प्रकोप खाद्यान्न फसलों धान, मक्का, सोयाबीन, मटर, तिल, गन्ना, मूंगफली आदि में भी देखा गया है। इसकी उपस्थिति के कारण स्थानीय वनस्पतियां नहीं उग पाती, जिससे स्थानीय जैव विविधता एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गाजर घास के प्रभाव से जंगली वनस्पतियां भी नहीं बच पाई हैं। गाजर घास की रोकथाम हेतु उपाय, आइए हम गाजर घास के विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक से इसके बारे में जानें। गाजर घास एक इतनी विकराल समस्या है कि इसके नियंत्रण के लिए हम सिर्फ एक विधि पर ही आश्रित नहीं हो सकते। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, जैसे यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि और जैविक नियंत्रण या समन्वित नियंत्रण, लेकिन इन सब विधियों में अगर हम बात करें तो अभी भी जैविक नियंत्रण विधि गाजर घास के लिए सबसे उत्तम विधि मानी जा सकती है। प्रथम, संवैधानिक विधि। इसमें खरपतवार के प्रवेश व फैलाव रोकने हेतु खरपतवार कानून व संगरोध कानून बनाकर प्रभावी ढंग से पालन कर काफी हद तक रोकथाम कर सकते हैं। हमारे भारत देश में कर्नाटक सरकार ने 1976 में इस घातक खरपतवार को कर्नाटक कृषि कीट एवं रोग अधिनियम 1969 के अंतर्गत रखा है। इसी तरह सभी राज्यों को इस खरपतवार को अधिनियम के अंतर्गत रखकर इसके उन्मूलन में आगे आना चाहिए, लेकिन सरकार की सख्ती और लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण यह विधि कारगर साबित नहीं हो पाई है। द्वितीय, यांत्रिक विधि। नम भूमि में फूल निकलने से पूर्व उखाड़ कर इकट्ठा करके जला देने से काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। इस कार्य हेतु कॉलोनियों, सामुदायिक भूमि, औद्योगिक संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों में सामूहिक प्रयास कर गाजर घास के प्रकोप से निजात पाई जा सकती है। इसके रोकथाम में जन जागरूकता अति आवश्यक है, चूंकि इसके पौधे संपर्क में आने से अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा रहता है। अतः इसको उखाड़ते समय हाथ में दस्ताने व सुरक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसके नियंत्रण हेतु गाजर घास जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि आम जनता अभी भी गाजर घास के विनाशक रूप से परिचित नहीं है। अतः जागरूक लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो संगोष्ठियों, नुक्कड़ नाटकों, चित्र प्रदर्शनी आदि माध्यमों द्वारा लोगों में गाजर घास के प्रति जागरूकता फैलाएं। इस खरपतवार के नियंत्रण हेतु तीसरी विधि है रासायनिक विधि। अभी तक किए गए अनुसंधान कार्यों के परिणाम स्वरूप शाकनाशियों के प्रयोग से इसका नियंत्रण सरलता से कर सकते हैं। फूल आने के पूर्व शाकनाशियों के घोल का छिड़काव गाजर घास में करना चाहिए। कृषित व अकृषित क्षेत्रों में कौन से खरपतवार नाशी व शाकनाशी का प्रयोग कब कैसे करें, आइए जानते हैं। प्रयोग विधि। विभिन्न शाकनाशी रसायनों की अनुमोदित मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर खेत में समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। गाजर घास के रोकथाम की अन्य विधि है जैविक विधि। क्योंकि यह विधि एक इस प्रकार की विधि है कि स्वचालित प्रक्रिया है, और इस जैविक नियंत्रण विधि के अंतर्गत सबसे अच्छा जो एक उपाय है वो यह है कि एक मैक्सिको में एक बहुत अच्छा कीड़ा खोजा गया था, जिसको भारतवर्ष में हम लोग ला चुके हैं, और इसका नाम मैक्सिकन बीटल, इसको हम आम भाषा में बोलते हैं, इसका वैसे नाम जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा है। यह भारतवर्ष में इस कीट का गाजर घास को नियंत्रण करने के लिए काफी संभावना है। जैविक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण उनके प्राकृतिक शत्रुओं, मुख्यतः कीटों, रोग के जीवाणुओं एवं वनस्पतियों द्वारा किया जाता है। अनुसंधान कार्यों के परिणाम स्वरूप पत्ती खाने वाले कुछ कीड़ों की प्रजातियां इस खरपतवार को हानि पहुंचाती हैं। इसी के अंतर्गत 1983 में गाजर घास को खाने वाले कीट जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा नामक
पत्ती खाने वाले गुबरेल को मैक्सिको से भारत कृषि अनुसंधान परिषद बेंगलोर लाया गया, जहां सघन वर्णात्मक परीक्षणों के पश्चात भारत सरकार ने इस कीट को गाजर घास नष्ट करने हेतु वातावरण में छोड़ने की अनुमति दी। इस कीट ने गाजर घास के प्रकोप को कम करने में अपार सफलता और ख्याति प्राप्त की। इसी दिशा में अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर द्वारा गाजर घास के उन्मूलन हेतु इस कीट का प्रजनन व इनकी संख्या को बढ़ाकर देश की व प्रदेश के विभिन्न भागों में पैकिंग कर भेजा जाता है। केंद्र द्वारा सक्रिय रूप से गाजर घास के नियंत्रण हेतु किए गए प्रयासों को 2005 में बेंगलोर में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पार्थेनियम मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया। आज इस कीट के माध्यम से खाली स्थानों, सड़क के किनारे और परती भूमि में मानसून के बाद उत्पन्न होने वाले पार्थेनियम में काफी कमी देखी गई है। कीट को गाजर घास में छोड़ने हेतु उपयुक्त समय। बीटल को गाजर घास में छोड़ने हेतु सबसे अच्छा समय जून से अगस्त माह के बीच होता है, क्योंकि मानसून के दौरान गाजर घास के उगने से पत्तियों के कोमल होने के कारण कीट अपनी संख्या प्रजनन कर तेजी से बढ़ा सकता है। अनुसंधान द्वारा पाया गया है कि एक वयस्क बीटल गाजर घास को 6 से 8 सप्ताह में खा जाता है, अतः इस हिसाब से 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 7 से 11 लाख कीटों की आवश्यकता होती है और इतने कीटों को छोड़ना एक समस्या हो जाएगी। अतः जाइकोग्रामा बाइकोलोरोटा में प्रजनन की अद्भुत क्षमता होती है। जहां गाजर घास अधिक हो वहां 500 से 1000 तक वयस्क बीटल छोड़ देना चाहिए। ये एक स्थान की गाजर घास खत्म होने पर स्वयं ही पास वाले क्षेत्र की गाजर घास पर चले जाते हैं, अतः एक बड़े क्षेत्र में कई जगह निर्धारित कर अलग अलग बीटल छोड़ने से इनका प्रसार शीघ्र एवं गाजर घास तेजी से नष्ट होगी। गेंदों द्वारा भी गाजर घास का जैविक नियंत्रण संभव है। इस कार्य हेतु घर के आसपास एवं संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाएं। परती भूमि, सड़क के किनारे, खाली स्थानों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पौधे जैसे चकोड़ा, जिसका वानस्पतिक नाम है कैसिया तोरा या कैसिया सिरेसिया, इसके द्वारा वृद्धि व विकास रोक सकते हैं। पार्थेनियम का संभव उपयोग। पार्थेनियम के पौधे में अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग कीटनाशक, जीवाणुनाशक एवं खरपतवार नाशी दवाइयों के निर्माण में किया जा सकता है। अनुसंधान में पाया गया है कि गाजर घास से पानी का घोल बनाकर शहतूत की पत्तियों पर छिड़कने से रेशम कीट पत्तियों को अधिक खाते हैं, जिससे उनका अच्छा विकास होता है और अधिक रेशम का उत्पादन करते हैं। गाजर घास पौधे की लुगदी से कई प्रकार के कागज, खड्डे या पार्टिकल बोर्ड तैयार किए जा सकते हैं। इसके पौधों को फूल आने से पूर्व एकत्र कर उपयोगी कंपोस्ट खाद बनाकर खेतों में उपयोग भी किया जा सकता है।